एटा में दबंगों का कहर, रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने टेम्पो चालक को जमकर पीटा। टेम्पो चालक की हालत हुई गंभीर, परिजनों ने घायल टेम्पो चालक कमलेश को गंभीर हालत में कराया मेडिकल कॉलेज में एडमिट। दबंग जगवीर सिंह, अतिवीर सिंह और रंजीत सिंह पर घायल कमलेश और पीड़िता माँ पार्वती ने टेम्पो चालक बेटे को रास्ते में घेर कर लाठी डंडों से पीटने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिजनों ने दबंगों पर गांव के आम रास्ता पर अवैध कब्जा करने का लगाया आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। थाना कोतवाली देहात के कठोली फार्म हाउस के पास का मामला। पार्वती जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ मारपीट की गई है, क्या है मामला? हमारा मामला ये सर, रास्ता आम रास्ता जो मिल रही और मेरी जगह है वो कब्जा कर रहे हैं, और कब्जा करने के बाद उसी काका का रंजिश से मेरा बेटा घेर के मारा पीटा है। कौन लोग हैं? वो लोग हैं करण सिंह के बेटा जगवीर सिंह, अतवीर सिंह और काका रंजीत। दबंग है? हाँ, दबंग है और गुंडा पार्टी है। जब मेरे बेटा मेहनत मजदूर को निकलते तो ये लोग देखते हैं, और उनकी माँ ने कल चैलेंज भी दिया था कि मेरा बेटा जैसा अपाज है तैसा ही तेरा बेटा करा देंगे। कौन सा काम है आपका? साहेब मारपीट कहाँ पर किया? मारपीट करी है काका फार्म पे, कठौली के पास फार्म है।